हेलो एवरीवन, वेलकम अगेन टू लर्न विद इतिमन। तो आज से हम स्टार्ट करने वाले हैं शिक्षा मनोविज्ञान। तो इस चैप्टर में हम लोग पढ़ने वाले हैं शिक्षा का अर्थ, मनोविज्ञान का अर्थ, और उसके बाद शिक्षा मनोविज्ञान के जो सिद्धांत हैं जो कि मनोवैज्ञानिकों ने दिए हैं उसके बारे में पढ़ेंगे, इसके क्षेत्र महत्व के बारे में पढ़ेंगे, क्या इसकी आवश्यकता है ये पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम ये पढ़ेंगे कि शिक्षा मनोविज्ञान जो है वह किन शब्दों से मिलकर बना है। तो यहाँ बिल्कुल स्पष्ट है कि ये दो शब्दों से मिलकर बना है, एक है शिक्षा और दूसरा है मनोविज्ञान। तो शिक्षा जिसे हम क्या कहते हैं, एजुकेशन कहते हैं, और मनोविज्ञान यानी मन का विज्ञान। ठीक है, तो अंग्रेजी के साइकोलॉजी शब्द से ये बना है। शिक्षा जो है इसकी उत्पत्ति जो मानी जाती है वह लेटिन शब्द एडुकेटम से मानी जाती है। बहुत ही इम्पोर्टेंट है कि जो शिक्षा है उसकी उत्पत्ति किस शब्द से हुई है, लेटिन शब्द एडुकेटम से हुई है, जो कि दो शब्दों से मिलकर बना है, ई और डुको, जिसमें ई का अर्थ है अंदर से और डुको का अर्थ है बाहर निकालना। यानी व्यक्ति की जो भी योग्यताएं हैं, जो भी क्षमताएं हैं, चाहे वो उसकी शारीरिक है, मानसिक है, बौद्धिक है, इन सभी योग्यताओं को बाहर निकालने की जो क्रिया है किसके द्वारा होती है, शिक्षा के द्वारा होती है। शिक्षा के द्वारा ही व्यक्ति जो कि बाहरी जगत में आकर जो है समन्वय स्थापित करता है, जो भी उसकी योग्यताएं हैं उनको वह वहां पर ढालने की कोशिश करता है। ठीक है, तो जो भी उसकी क्षमताएं योग्यताएं हैं उनको बाहर निकालना, ये क्या है, शिक्षा है। वहीं दूसरी तरफ मनोविज्ञान जो कि अंग्रेजी के साइकोलॉजी शब्द से लिया गया है और यह ग्रीक शब्द से इसकी उत्पत्ति मानी जाती है। तो याद रखें, एग्जाम में कई बार पूछा गया है कि साइकोलॉजी शब्द की उत्पत्ति किस भाषा से हुई है, तो वह ग्रीक भाषा से हुई है। तो यहाँ ग्रीक शब्द साइके और लॉगस से मिलकर बना है साइकोलॉजी, जिसमें साइके का अर्थ है आत्मा और लॉगस का अर्थ है विज्ञान। इसका अर्थ ये है कि यहाँ पर हम आत्मा का विज्ञान, इसका अध्ययन करते हैं। ठीक है, आत्मा का अध्ययन करते हैं किसमें, साइकोलॉजी में। तो उसके बाद जो है धारणा, जो भी मनोवैज्ञानिक आते गए तो उन्होंने जो है इसकी आलोचना भी की कि यहाँ पर जो है हम आत्मा का विज्ञान नहीं कह सकते इसे, क्योंकि आत्मा की तो स्टडी नहीं की जा सकती। ठीक है, तो इसको क्या कहेंगे। तो इस तरीके से मनोवैज्ञानिकों ने अपने अपने जो है नाम दिए, अपने अपने मत दिए, जो कि हम आगे चल के पढ़ेंगे। तो यहाँ सबसे पहले हम शिक्षा की बात करेंगे। तो शिक्षा जो कि अंतर्निहित योग्यताओं को बाहर निकालना, ठीक है, जो भी व्यक्ति की जो भी अंदर जो क्षमताएं हैं, योग्यताएं हैं, उनको बाहर निकालना, कैसे, शिक्षा के द्वारा। अब कई जो हैं, बहुत सारे, यदि हम बिल्कुल सामान्य बात करें तो व्यक्ति के अंदर बहुत सारी योग्यताएं होती हैं, वह अपनी योग्यताओं को अंदर ही दबाकर रखता है, बाहर नहीं निकालता है, क्योंकि वो शिक्षित नहीं है। यदि उसको शिक्षा दे दी जाती है तो उसके अंदर जो है धीरे धीरे जो है ये चीज डेवलप होती है कि वह अपनी योग्यताओं को बाहर निकाले। तो ये किसके द्वारा संभव है, शिक्षा के द्वारा संभव है। तो हम परिभाषाएं जब पढ़ेंगे तो आपको बिल्कुल अच्छे से क्लियर हो जाएगा कि शिक्षा है क्या। शिक्षा के जनक जो है वो किसको माना जाता है, फ्रॉबेल को माना जाता है। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, शिक्षा के जनक कौन है, फ्रॉबेल। महात्मा गांधी ने कहा शिक्षा के बारे में कि शिक्षा जो है वो मनुष्य के शरीर, आत्मा और मस्तिष्क, इनके सर्वांगीण एवं सर्वोत्तम विकास से है। इसका मतलब ये है कि शिक्षा के द्वारा व्यक्ति के शरीर, आत्मा और मस्तिष्क का ओवरऑल डेवलपमेंट हो जाता है। किसके द्वारा, शिक्षा के द्वारा। ठीक है, यानी व्यक्ति को शिक्षित करना बहुत जरूरी है, शिक्षा के द्वारा ही उसका विकास जो है वो संभव है। ये किसके द्वारा कहा गया है, महात्मा गांधी के द्वारा कहा गया है। डेफिनेशन आपके एग्जाम में पूछी जाती है। नेक्स्ट देखें प्लेटो। प्लेटो का कहना है शिक्षा के बारे में कि शिक्षा जो है वो शारीरिक, मानसिक और बौद्धिक विकास की प्रक्रिया है। ठीक है, तो ये ऐसी प्रक्रिया है जो कि व्यक्ति का शारीरिक तौर पर विकास कर रही है, मानसिक तौर पर विकास कर रही है, और उसके बौद्धिक जो है विकास वह भी करती है। तो जो प्रोसेस का नाम है वो क्या है, शिक्षा है, एजुकेशन है। ठीक है, तो अर्थ वही निकलता है जो मैंने आपको पहले सामान्य भाषा में बताया। फिर देखें फ्रॉबेल
फ्रेंडरसन जो है वो क्या कहते हैं, ये कहते हैं कि आधुनिक शिक्षा का संबंध जो है व्यक्ति और समाज दोनों के कल्याण से है। फ्रेंडसन का ये कहना है कि जो आधुनिक शिक्षा है उसका संबंध किससे है, उस व्यक्ति से है। यदि हम उस व्यक्ति को शिक्षित कर देते हैं तो वो आसपास के वातावरण को बदल सकता है। आसपास के वातावरण को बदलते ही वो जो समाज है जिसमें वह रह रहा है वो भी, उसमें भी चेंजमेंट आ जाता है। तो शिक्षा के द्वारा जो है यहाँ व्यक्ति और जो समाज, क्योंकि समाज किससे बनता है, व्यक्तियों के समूह से ही बनता है, ठीक है। तो शिक्षा के द्वारा जो है व्यक्ति और समाज दोनों का कल्याण जो है संभव है। ये तो ये फ्रेंडसन का कहना है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट डेफिनेशन जो है शिक्षा के बारे में ही जॉन ड्वीवी ये कहते हैं कि शिक्षा जो है व्यक्ति की उन सभी योग्यताओं का विकास है जिनके द्वारा वह अपने वातावरण पर नियंत्रण करने की क्षमता प्राप्त करता है तथा अपनी संभावनाओं को पूर्ण करता है। तो यहाँ तो बहुत अच्छे से ही क्लियर हो गया कि देखिए जो शिक्षा है, एजुकेशन जो है, वो व्यक्ति की उन सभी योग्यताओं का विकास करती है जिसके द्वारा व्यक्ति जो है समाज में या वातावरण में जो भी उसके साथ सिचुएशन आती हैं, विपरीत परिस्थितियां आती हैं, उन पर नियंत्रण कर सकता है शिक्षा के द्वारा, यदि वह शिक्षित है तो, ठीक है। और जो भी उसकी संभावनाएं हैं उनको पूरा करता है। तो वातावरण पर नियंत्रण करने की क्षमता जो है वो कैसे प्राप्त करता है, शिक्षा के द्वारा। शिक्षा के द्वारा उसका जो है मानसिक विकास होता है, शारीरिक विकास होता है, बौद्धिक विकास होता है, जिसके द्वारा जो वह सोच सकता है। सोचने की कैपेसिटी तो उसके पास पहले भी थी जब वह अशिक्षित था, लेकिन शिक्षा के द्वारा उसको मार्गदर्शन मिलता है और वह सही दिशा में कार्य करता है। और वह अशिक्षित होता तो वह इधर उधर भटकता, अपने दिमाग को इधर उधर जो है वह ले जाता और जो भी उसके साथ जो विपरीत परिस्थितियां आती हैं उन पर जल्दी से कंट्रोल नहीं कर सकता है। लेकिन आपने खुद ने देखा होगा जो पढ़े लिखे होते हैं वो लोग सिचुएशन को समझ कर और फिर उसको हैंडल करते हैं। तो यही जॉन ड्यूवी का कहना है कि शिक्षा व्यक्ति की उन सभी योग्यताओं का विकास है जिनके द्वारा वह अपने वातावरण पर जो है नियंत्रण करने की क्षमता प्राप्त करता है और अपनी संभावनाओं को पूर्ण करता है। परिभाषाओं को आप समझते जाइए, समझ कर करेंगे तो परिभाषाएं आपको याद रहेंगी। कैसे, हम लोगों ने महात्मा गांधी की बात की, महात्मा गांधी ने जो है शिक्षा के बारे में क्या कहा, तो आप थोड़ा सा दिमाग में रखिए कि उन्होंने शरीर, आत्मा और मस्तिष्क का जो ओवरऑल डेवलपमेंट है उसकी बात की। महात्मा गांधी ने बहुत बड़ी बात कर दी, ठीक है। प्लेटो के अनुसार, प्लेटो जो है वो शारीरिक, मानसिक और बौद्धिक विकास की बात करते हैं। तो इस तरीके से इन शब्दों को याद रखें, ठीक है। फ्रेंडसन जो है, जो कि कहते हैं कि शिक्षा का संबंध जो है वो व्यक्ति और समाज दोनों से है, ठीक है, और शिक्षा जो है वह दोनों का कल्याण करती है, व्यक्ति का भी करती है और समाज का भी करती है। जॉन डिवी जिनकी परिभाषा में यह है कि शिक्षा के द्वारा व्यक्ति जो है जो भी परिस्थितियां हैं वातावरण में उनको कंट्रोल कर सकता है। डगलस एवं हॉलैंड का कहना है कि शिक्षा व्यक्ति के जीवन में होने वाले सभी परिवर्तन, जो भी चेंजमेंट हैं, उनको अभिव्यक्त करने के लिए आवश्यक है। अब वो एक शिक्षित व्यक्ति ले लीजिए और एक अशिक्षित व्यक्ति ले लीजिए। शिक्षित व्यक्ति जो उसकी जो भी भावनाएं हैं, जो भी उसमें चेंजमेंट आ रहा है, उसको फटाफट से सामने वाले को बता देगा। लेकिन अशिक्षित व्यक्ति, उसको यही नहीं समझ में आ रहा है कि जो चेंजमेंट है वो क्यों हो रहे हैं, ठीक है, और जो भी चेंजमेंट होते हैं तो उनको वो अभिव्यक्त कैसे करे, उसके पास शब्द ही नहीं है। तो जीवन में जो भी चेंजमेंट हो रहे हैं उनको अभिव्यक्त कौन कर सकता है, एक शिक्षित व्यक्ति जो है वह कर सकता है, वह बखूबी जो है वो अपने शब्दों से उनको बाहर निकाल सकता है। कॉल सैनिक का कहना है कि शिक्षा जो है वो मानव की जन्मजात शक्तियों तथा योग्यताओं का विकास करती है। यानी कि कॉल सैनिक क्या कहते हैं कि शिक्षा जो है जो मानव की जन्मजात शक्तियां हैं और योग्यताएं, उनका विकास करती है। क्योंकि यदि मानव की जो जन्मजात शक्तियां, जो कि सभी के पास हैं, सभी को मिली हैं जन्मजात, ऐसा नहीं है यहाँ पर कि शिक्षा जो है जन्मजात शक्तियों का शिक्षा से नहीं मतलब, ठीक है, जन्मजात शक्तियां जो सभी को मिली हैं, लेकिन इन जन्मजात शक्तियों को आगे बढ़ाने का काम जो है वह शिक्षा का है, शिक्षा इसको आगे ले जाती है। अब कोई जो बालक जो है वो बहुत टैलेंटेड है लेकिन शिक्षा के अभाव में जो है वह आगे नहीं जा पा रहा है, तो उसकी जो भी योग्यताएं हैं, क्षमताएं हैं, उनका विकास जो है वह कौन करता है,
शिक्षा करती है। ठीक है, तो अब कैसे याद रखोगे? देखिए, आप लोग थोड़ा सा जो है इनको ट्रिक बनाइए, सब अपने अपने तरीके से बनाइए। अब सैनिक जो है, सैनिक का काम क्या होता है? देश की रक्षा करना होता है, और उसके पास जो है जो पावर होती है, जो सैन्य शक्ति होती है, वो आम इंसान के पास नहीं होती है। मर मिटने के लिए जो है वह तैयार रहता है। ठीक है, तो इस तरीके से आप ये यहाँ पर संबंध बिठा सकते हैं इसका, कि सैनिक जो है उसके पास जो शक्तियाँ होती हैं उसके द्वारा ही वह जब युद्ध करता है, जब वो लड़ाई करता है दुश्मनों से, तो उसके द्वारा जो है वो देश का विकास होता है। ठीक है, इस तरीके से आप जो है याद रख सकते हैं। स्पेंसर कहते हैं कि शिक्षा से तात्पर्य जो है अंतर्निहित शक्तियों तथा बाह्य जगत में समन्वय स्थापित करता है। जो भी उसकी जन्मजात शक्तियां हैं, जो भी बालक की, और बाहरी जगत में, समाज में आकर जो भी कुछ वह देख रहा है, उन दोनों के बीच में जो है बैलेंस बैठाने का काम जो है वह शिक्षा करती है। ठीक है, शिक्षा के द्वारा जो है उसकी समझ का विकास होता है, जिसके द्वारा वह अंतर्निहित शक्तियों और बाहरी जगत में जो है समन्वय स्थापित करता है। ठीक है, तो ये शिक्षा से संबंधित जो है वो परिभाषाएं थी। इससे हमें ये पता चल गया कि शिक्षा जो है वह क्या है, कि शिक्षा जो कि व्यक्ति की शारीरिक, मानसिक, बौद्धिक जो क्षमताएं हैं, योग्यताएं हैं, उनका जो है वो डेवलप करती है, डेवलपमेंट करती है, आगे उनको ले जाती है। ठीक है, और जिसके द्वारा, शिक्षा के द्वारा उस व्यक्ति का जो है सर्वांगीण विकास होता है, और उसके द्वारा ही पूरे समाज का जो है विकास होता है। क्योंकि एक समाज जो है वह किससे बना है? व्यक्तियों के समूह से ही बना है। नेक्स्ट देखिए, नेचर, शिक्षा की प्रकृति। तो शिक्षा की प्रकृति कैसी है? शिक्षा जो है एक द्विध्रुवीय प्रक्रिया है। ये किसका कहना है? ये एडम्स का कहना है। एडम्स कहते हैं कि शिक्षा जो है कैसा प्रोसेस है, ये एक द्विध्रुवीय प्रक्रिया है। यानी इसके एक छोर पर जो है वो शिक्षक है, और दूसरे छोर पर कौन है? शिक्षार्थी है। तो वो जो शिक्षक जो कि पढ़ा लिखा है, शिक्षित है, और उसके द्वारा जो ज्ञान बांटा गया है किसको? शिक्षार्थी को। तो यहाँ पर जो है शिक्षा एक द्विध्रुवीय प्रक्रिया है। किसके द्वारा? एडम्स के द्वारा। शिक्षा एक त्रिध्रुवीय प्रक्रिया बताने वाले कौन है? जॉन ड्यूवी। जॉन ड्यूवी कहते हैं कि शिक्षा द्विध्रुवीय नहीं बल्कि त्रिध्रुवीय प्रक्रिया है। यहाँ पर तीन जो हैं काम करते हैं, कौन कौन? एक तो शिक्षक जो कि शिक्षा देगा, दूसरा शिक्षार्थी जो कि शिक्षा लेगा, और तीसरा वो पाठ्यक्रम जो कि यहाँ पर मध्यस्थ का काम कर रहा है। ठीक है, जिसके द्वारा जो है शिक्षा दी जा रही है। तो दोनों ही परिभाषाएं जो जो कि बहुत बार एग्जाम में आई हुई हैं, पूछा जाता है कि शिक्षा को द्विध्रुवीय प्रक्रिया किसने कहा, त्रिध्रुवीय प्रक्रिया किसने कहा। ठीक है, याद कैसे करोगे? बहुत ही आसान सा तरीका है। एडम्स, एडम्स में देखिए, एड एड यानी अब कोई दो चीजें ही एड हो सकती हैं। ठीक है, तो यहाँ द्वि यानी कि द्विध्रुवीय, याद हो गया आपको? एडम्स में एड जो है, एड का मतलब है किन्हीं दो चीजों को एड करना, जोड़ना। तो ये हो गई द्विध्रुवीय प्रक्रिया। ज्वाइन ड्यूवी, तो यहाँ ड्यूवी में देखिए 1 2 3, तीन जो है क्या है? तीन वर्ड है। ठीक है, तो यहाँ तीन जो ये वर्ड हैं, तो यहाँ पर क्या है? त्रिध्रुवीय, ऐसे याद कर लो। या फिर एक भी याद रखोगे आप तो दूसरा तो अपने आप याद आ जाएगा। इतना याद रखिए कि शिक्षा जो है द्विध्रुवीय त्रिध्रुवीय कहने वाले कौन है? एडम्स और जॉन ड्यूवी हैं। जिसमें एक याद रखिए, एडम्स यानी एड, एड यानी कि दो चीजें हो सकती हैं। तो ये द्विध्रुवीय जब प्रक्रिया कहा है एडम्स ने, तो जब जॉन ड्यूवी जो है उन्होंने त्रिध्रुवीय ही कहा होगा, ऐसे आप याद रखें। शिक्षा की क्या विशेषताएं हैं? तो हमने परिभाषाएं पढ़ी, वही हमें क्लियर हो गया कि शिक्षा की क्या विशेषताएं हैं। एक तो ये जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है, एक उद्देश्यपूर्ण और व्यवस्थित प्रक्रिया है। ठीक है, किसी न किसी उद्देश्य को लेकर ये चलती है। जैसे आपका उद्देश्य क्या है? एग्जाम फाइट करना। ठीक है, तो शिक्षा जो है जो कि एक उद्देश्य निर्धारित करती है, और एकदम सिस्टमैटिक तरीके से चलने वाली एक प्रक्रिया है। शिक्षा द्वारा व्यक्ति और समाज दोनों का विकास होता है। बिल्कुल होता है, क्योंकि व्यक्ति जो कि शिक्षित हो जाता है तो आसपास के वातावरण जो है उसको भी चाहता है कि वो भी शिक्षित हो सकें, उनको भी बहुत सारी बातें जो है इस शिक्षित व्यक्ति से पता लगती है। परिवार जो है वह सही हो पाता है, शिक्षित हो पाता है, तो पूरे समाज जो है उसका भी विकास हो जाता है। शिक्षा द्वारा संतुलित विकास को दिशा प्राप्त
होती है। तो शिक्षा के द्वारा व्यक्ति जो है, जिसकी जो जन्मजात शक्तियां हैं और जो बाहरी जगत में जो शक्तियां हैं उनमें जो है समन्वय स्थापित करता है, जिससे कि एक संतुलित विकास जो है वह हो पाता है। शिक्षा के क्या उद्देश्य हैं? तो इसके क्या उद्देश्य हैं? सबसे पहली बात तो ये है कि ज्ञान प्रदान करना। शिक्षा का एक ये उद्देश्य है कि ये ज्ञान प्रदान करना है। बौद्धिक विकास के लिए ज्ञान जो है वह अति आवश्यक है, ठीक है। दूसरा है व्यवसाय चुनने का उद्देश्य। शिक्षित यदि हम हो जाते हैं तो हम अपना जो है व्यवसाय चुन सकते हैं। यदि हम शिक्षित ही नहीं रहेंगे तो हमें यही नहीं पता होगा कौन कौन से व्यवसाय में हमें जाना है, कैसे जो है हमें कमाई जो है वो करनी है। तो जब हम शिक्षित हो जाते हैं, शिक्षा ग्रहण कर लेते हैं, तो हमारे सामने जो है एक ही चीज आती है कि हम कौन सा व्यवसाय जो है वो चुनें, ठीक है। तो शिक्षा का उद्देश्य ये रहता है, कोई जो है डॉक्टर बनना चाहता है, कोई टीचर बनना चाहता है, कोई इंजीनियर बनना चाहता है। तो शिक्षा का उद्देश्य क्या है? व्यवसाय चुनना जो है इसका उद्देश्य है। थर्ड जो है व्यक्तित्व का संतुलित विकास। तो जो पर्सनैलिटी है उसका जो है संतुलित विकास करती है। आप खुद देख लीजिए, जो अशिक्षित व्यक्ति होते हैं उसकी पर्सनैलिटी और एक शिक्षित व्यक्ति की पर्सनैलिटी में जो है वो जमीन आसमान का अंतर रहता है। क्योंकि जो अशिक्षित व्यक्ति है वो ये सोचता है कि जो है अच्छे से जो है ड्रेस डालकर या अच्छे से बात करके शुद्ध शब्दों का प्रयोग करके क्या होगा, कुछ नहीं होगा। क्योंकि हमें तो क्या करना है, मजदूरी करनी है, ठीक है। और मजदूरी जितना हम करेंगे तो उसी तरीके से हमारा जो है परिवार का पेट पलेगा। तो ये उसकी जो है धारणा है, क्योंकि वो अशिक्षित है। वो जिस दायरे में रहा है, जितना सीमित दायरा उसका है, वो उतना ही सोच सकता है। लेकिन शिक्षा के द्वारा जो है सोच समझ का जो है विकास होता है, बौद्धिक विकास होता है। तो जिसके द्वारा व्यक्ति जो है वो खुद के बारे में, खुद के परिवार के बारे में सोच सकता है, उसका रहन सहन, उसका चलना उठना बैठना, तो ये व्यक्तित्व में आता है। तो इसका जो संतुलित विकास है वह शिक्षा का उद्देश्य रहता है। हम खुद ही बोल देते हैं, हम जब पढ़े लिखे हैं तो हम खुद ही छोटे से बच्चे को भी बोलते हैं कि मैनर्स से बोलो, ठीक है, अच्छे शब्दों का प्रयोग करो, ढंग से कपड़े पहनो, ठीक है, अच्छे तरीके से बैठकर खाना खाओ। तो ये क्या है, हम खुद पढ़े लिखे नहीं होंगे तो हम उस चीज़ पर ध्यान ही नहीं देंगे, हमारा उद्देश्य होगा ही नहीं कि हम इन चीज़ों को उसे बोलें कि अगर कोई खाना खा रहा है तो खाए, कैसे भी खाए, कैसे भी कपड़े पहनकर जाए। क्योंकि अशिक्षित व्यक्ति का दायरा जो है वो बहुत सीमित होता है, वो केवल उतना ही सोच पाता है जितना उसने देखा है। तो व्यक्तित्व का जो संतुलित विकास जो है शिक्षा का उद्देश्य रहता है। पूर्ण जीवन का उद्देश्य, अब देखिए, हालांकि ये बात अलग होती है कि यहाँ पर बच्चे जो हैं जॉब लेने के लिए पढ़ाई करते हैं, बहुत मेहनत करते हैं, और सभी को जॉब नहीं मिल पाती है, ठीक है। तो वहाँ पर वो शिक्षित है, ऐसा नहीं है कि उसको जॉब नहीं मिली तो वो पढ़ा लिखा नहीं है या वो अशिक्षित है, ऐसा नहीं है। तो यहाँ पर इस चीज़ को जो है वो आप बिल्कुल भी दिमाग में ना रखें कि हमारी तो नौकरी ही नहीं लगी है तो हम जो है शिक्षित में नहीं कहलाएंगे। आपके व्यक्तित्व का जो है वो संतुलित विकास जो है वो हो रहा है, ठीक है। और आप लोग जो है व्यवसाय चुनने के लिए तैयार भी हैं। वो बात अलग है कि व्यवसाय जो है वो अभी तक नहीं मिला है, लेकिन कोशिश जो है वो यही है। कोशिश तो यही है कि जो जो भी जॉब है वो आपको मिल जाए। तो माध्यम जो है वो कौन बनता है? शिक्षा ही बनती है। शिक्षा के द्वारा ही आप लोग इतना जो है वो सोच पा रहे हो। पूर्ण जीवन का उद्देश्य, तो ये उद्देश्य जो है स्पेंसर द्वारा प्रस्तुत किया गया था। और पूर्ण जीवन के अंतर्गत जो है वो पांच क्रियाएं सम्मिलित हैं। कौन कौन सी? आत्म संरक्षण, व्यवसाय का चुनाव, अपने घर के महत्वपूर्ण सदस्य होना, समाज में अपना योगदान देना और खाली समय को बेहतर प्रयोग करना। तो आत्म संरक्षण यानी कि सेल्फ प्रोटेक्शन, सेल्फ प्रोटेक्शन जो है वो शिक्षा के द्वारा ही, व्यवसाय का चुनाव जो है वो शिक्षा के द्वारा ही होगा, अपने घर के महत्वपूर्ण सदस्य होना, जो इम्पोर्टेंस है व्यक्ति की, तो वो शिक्षा के द्वारा ही सामने आती है, ठीक है। अब चार व्यक्ति हैं घर के अंदर, ठीक है, तो मान लीजिए वो सभी बराबर हैं, बराबर उम्र के हैं, ठीक है, बुजुर्गों की बात नहीं कर रही हूँ, बराबर उम्र के हैं, जिसमें से एक जो है वो पढ़ा लिखा है, बाकी तीन जो हैं वो खाली बैठे जो हैं क्या करते रहते हैं, अपना टाइम पास
करते रहते हैं, तो उस पढ़े लिखे की वैल्यू जो है वो पूरे घर में होगी, वैल्यू जो है वो उसकी बहुत ज़्यादा होगी और उससे हर बात के लिए जो है वो पूछा जाएगा। तो ये शिक्षा के द्वारा ही होता है, जिससे कि घर में महत्वपूर्ण सदस्य जो है वो बन जाता है। समाज में जो है अगर कहीं ज़रूरत पड़ती है तो उस शिक्षित व्यक्ति को ही बुलाया जाएगा और खाली समय को वो कभी भी बर्बाद जो है नहीं करेगा, उसको और बेहतर जो है वो बनाने की सोचेगा। तो स्पेंसर ने बताया है ये चीज़ें कि शिक्षा के द्वारा जो है पूर्ण जीवन के अंतर्गत जो है वो 5 क्रियाएं जो है सम्मिलित होती हैं। ठीक है, किसने कहा है? स्पेंसर ने। नेक्स्ट देखिए, इसका उद्देश्य क्या है शिक्षा का? चरित्र निर्माण करता है। तो जॉन ड्यूवी ने जो है इसको बहुत महत्वपूर्ण माना है कि शिक्षा जो है वो चरित्र का निर्माण भी करती है। व्यक्तिगत उद्देश्य क्या है इसका? स्वयं का विकास करना। और सामाजिक उद्देश्य क्या है इसका? कि व्यक्ति के द्वारा ही समाज जो है उसका भी विकास होता है। तो चलिए, अब हमने जो है शिक्षा की बात कर ली, तो हमें बहुत अच्छे से समझ में आ गया शिक्षा क्या है, शिक्षा के द्वारा क्या हो सकता है, इसका क्या उद्देश्य है। ठीक है, तो चलिए दूसरा जो पॉइंट था शिक्षा मनोविज्ञान में, शिक्षा पढ़ लिया हमने, उसके बाद है मनोविज्ञान। मनोविज्ञान जो है सिस्टमैटिक स्टडी ऑफ माइंड है, यानी कि क्रमबद्ध तरीके से अध्ययन करना। किसका? माइंड का। ठीक है, माइंड का क्रमबद्ध तरीके से अध्ययन करना जो है क्या कहलाता है? मनोविज्ञान कहलाता है। तो प्रारंभ में जो मनोविज्ञान जो है वह दर्शन शास्त्र की एक शाखा के रूप में जाना जाता था। ठीक है, इसको हम दर्शन शास्त्र के अंतर्गत ही पढ़ते थे। तो जो मनोविज्ञान के जो जनक हैं कौन? अरस्तु। तो अरस्तु के समय दर्शन शास्त्र के अंग के रूप में जो है मनोविज्ञान ने अपना जीवन जो है वो स्टार्ट किया था, और बाद में जो है ये धीरे धीरे जो है वो दर्शन शास्त्र से अलग हुआ था। आधुनिक समय में जो है कई जो है वो परिवर्तन आए, जो कि हम देखेंगे, पता चलेगा हमें कि दर्शन शास्त्र से जो है वो ये कैसे अलग हुआ। तो मनोविज्ञान का जो मूल नाम था, प्रारंभिक नाम, वह था ज्ञान मीमांसा। ठीक है, तो ये ज्ञान का सिद्धांत था। मनोविज्ञान का जो मूल नाम है वो है ज्ञान मीमांसा, या ज्ञान सिद्धांत भी हम कहते हैं। मनोविज्ञान शब्द जो है वो सर्वप्रथम जो है रुडोल्फ ने 1590 में अपनी पुस्तक में इसका प्रयोग किया। तो शब्द का जो प्रयोग किया मनोविज्ञान शब्द का, वो किसने किया? रुडोल्फ ने किया सबसे पहले 1590 ईस्वी में। मनोविज्ञान के जनक किसे माना जाता है? अरस्तु को माना जाता है। फिर देखिए, मनोविज्ञान शब्द जो है वो अंग्रेजी भाषा के साइकोलॉजी शब्द से बना है। इसकी उत्पत्ति किससे मानी जाती है? ग्रीक भाषा और यूनानी भाषा से मानी जाती है। ठीक है, तो इसी भाषा के दो शब्द जो हैं साइके और लॉगस, इससे मिलकर बना है, जिसमें साइके का अर्थ मैंने आपको पहले बताया था आत्मा, और लॉगस का अर्थ क्या है? विज्ञान या अध्ययन। तो यहां हम आत्मा का अध्ययन करते हैं। ठीक है, चलिए तो सबसे पहले देखेंगे मनोविज्ञान का विकास क्रम। तो सबसे पहले इसे आत्मा के विज्ञान के रूप में जो है 16वीं शताब्दी में कहा गया। तो 16वीं शताब्दी में इसके समर्थक जो रहे प्लेटो, अरस्तु जो कि मनोविज्ञान के जनक हैं, डेकार्ते और डेमोक्रेट्स, ये इसके समर्थक हैं, जो ये कहते हैं कि मनोविज्ञान जिसमें हम आत्मा का अध्ययन करते हैं, ठीक है, तो इसे आत्मा का विज्ञान कहा जाएगा। लेकिन इसके जो आलोचक रहे रॉस, जॉन लॉक और हॉब्स, ठीक है, उन्होंने कहा कि जो आत्मा है उसकी स्टडी ही संभव नहीं है, आत्मा जो है वो तो दिखाई ही नहीं देती है, तो उसका अध्ययन कैसे हो सकता है। तो इस वजह से इसे जो है अमान्य कर दिया, क्योंकि आत्मा की व्याख्या नहीं हो सकती, तो अब इसे आत्मा का विज्ञान नहीं कहा गया। फिर इसे मन या मस्तिष्क का विज्ञान कहा गया, कि मनोविज्ञान जो है वो मन का विज्ञान है, मस्तिष्क का विज्ञान है, क्योंकि हम इसमें मन की, मस्तिष्क की जो है वो इसका अध्ययन करते हैं। तो 17वीं शताब्दी में जो समर्थक रहे पोम्पोनोजी, जो इटली के थे, जॉन लॉक, जिन्होंने आत्मा का विज्ञान जो है, जिसके जो है आलोचक रहे हैं जॉन लॉक, वो कहते हैं कि ये आत्मा का विज्ञान नहीं है मनोविज्ञान, बल्कि ये मन की व्याख्या करता है और ये मन का विज्ञान है, ठीक है, या मस्तिष्क का विज्ञान है। तो इसके बाद देखिए, अब देखिए कोई भी जो है बातें जब करता है तो आलोचक जो है उसके आ ही जाते हैं।
तो यहाँ पर कई जो हैं मनोवैज्ञानिकों ने, जैसे विलियम बुंट हैं, विलियम जेम्स हैं, उन्होंने कहा कि जैसे आत्मा का अध्ययन नहीं हो सकता है, उसी तरीके से मन की व्याख्या नहीं की जा सकती, क्योंकि मन तो बहुत ही चंचल होता है, एक जगह पर जो है नहीं टिकता है। एक व्यक्ति जो है जिस जगह पर है, पता नहीं वह है किस बारे में और कितनी दूर तक जो है वह सोच रहा हो, उसके मन में क्या चल रहा हो, तो उसकी जो है स्पष्ट व्याख्या नहीं की जा सकती। तो इस वजह से जो है इसको भी अमान्य कर दिया गया। उसके बाद देखिए चेतना का विज्ञान। तो 19वीं शताब्दी में समर्थक जो रहे हैं चेतना का विज्ञान कहने वाले, वो रहे हैं विलियम जेम्स, टिचनर और विलियम बुंट। ठीक है, तो विलियम बुंट जिन्होंने जो है पहली प्रयोगशाला जो है स्थापित की, और उसमें जो है अध्ययन का विषय जो है वो मन को माना था। ठीक है, और उसके आधार पर जो है उन्होंने बताया कि मन का निर्माण जो है वो तीन तत्वों से मिलकर होता है, एक तो है संवेदना और दूसरा भाव और तीसरी प्रतिमा। ठीक है, तो ये तीनों तत्व जो है वो मिलकर जो है वो मन को क्रियाशील करते हैं। तो इसी आधार पर बुंट ने जो है मनोविज्ञान को क्या कहा, चेतना का विज्ञान कहा। लेकिन इन्होंने दो चीजें जो है नकार दी कि मन जो है वह उसके तीन भाग हैं, चेतन, अचेतन और अर्धचेतन। तो इन्होंने केवल और केवल चेतन पर ही फोकस किया, तो इसीलिए इनकी जो है इस धारणा को भी नकार दिया गया। ठीक है, क्योंकि इन्होंने अपने जो अध्ययन में अर्धचेतन और अचेतन जो है इनको शामिल नहीं किया। तो प्रयोगात्मक मनोविज्ञान के जनक, सबसे पहले प्रयोग करने वाले जो है वो कौन थे मनोविज्ञान के संदर्भ में, तो विलियम वुंट थे। तो इसीलिए प्रयोगात्मक मनोविज्ञान के जनक जो है विलियम वुंट को माना जाता है। इन्होंने आत्मनिरीक्षण विधि का प्रयोग किया, सबसे पहले 1879 में जर्मनी के लिप्जिंग वर्ग में विलियम वुंट ने प्रथम मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला खोली। बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है, एग्जाम में पूछी जाने वाली है। और जब इन्होंने मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला पहली खोली, और यहीं से मनोविज्ञान जो है वो दर्शन शास्त्र से अलग हो गया। तो हमने जो है सबसे पहले पढ़ा था कि मनोविज्ञान जो है दर्शन शास्त्र की एक शाखा के रूप में था, उसके एक अंग के रूप में ही पढ़ा जाता था। लेकिन अब जब इसकी जो है एक प्रयोगशाला जो है वह स्थापित की गई, खोली गई, तो अब ये भी अलग सब्जेक्ट के रूप में पढ़ा जाने लगा। ठीक है, इसके बारे में भी जो है स्टडी होने लगी। तो इस वजह से ये दर्शन शास्त्र से जो अलग हो गया। तो यहाँ पर जो है समझने वाली बात है, एग्जाम में यदि क्वेश्चन कैसे भी घुमा के पूछ लिया जाए, ठीक है, कि मनोविज्ञान जो है वो दर्शन शास्त्र से अलग कब हुआ, तो आप याद रखेंगे विलियम बुंट ने जो है पहली प्रयोगशाला जो है मनोविज्ञान प्रयोगशाला खोली थी 1879 में जर्मनी के लिप्जिंग वर्ग में। तो तभी से मनोविज्ञान जो है वो दर्शन शास्त्र से अलग हो गया। तो इनकी जो धारणा थी, चेतना का विज्ञान है मनोविज्ञान, तो इसमें इन्होंने केवल चेतन को शामिल किया, तो इस वजह से इसे भी नकार दिया गया। ठीक है, क्योंकि अचेतन और अवचेतन को इन्होंने शामिल नहीं किया। अब देखिए चेतन जो है वह क्या होता है, मन के तीन भाग हैं, चेतन, अचेतन और अवचेतन। ठीक है, तो जो चेतन मन है, जब हम कोई काम करते हैं बिल्कुल एक्टिव होकर करते हैं, ठीक है, तब उसे हम क्या कहेंगे, चेतन मन कहेंगे। यानी कि हमारा जो माइंड है उस समय पूरी तरह एक्टिव होता है, तो चेतन मन को हम एक्टिव माइंड जो है वो कह सकते हैं। तो जब हम कोई कार्य को पहली बार सीखते हैं, करने की कोशिश करते हैं, तो उस समय हमारा मन जो है वो पूरी तरीके से जो है वो चेतन अवस्था में होता है। जैसे कि मैं पढ़ा रही हूं और आप अभी जो है वो चेतन मन से मुझे सुन रहे हो, तो ये क्या है, चेतन मन है। ठीक है, दूसरा जो है शब्द अचेतन मन, यानी ये मन का जो है वो ऐसा भाग है जो, यानी कि सबसे ज्यादा पार्ट जो है वो अचेतन मन का ही होता है। मन का लगभग 90% जो है हिस्सा वो अचेतन है। ठीक है, जिसके काम के बारे में जो है व्यक्ति को जानकारी जो है वो नहीं रहती है। यानी हमारे जो शरीर, हमारा जो मन है, उसका 90% के बारे में तो हमें जानकारी नहीं रहती। ये मन की जो है जैसे स्वस्थ है अस्वस्थ है, इन क्रियाओं पर जो है वो प्रभाव डालता है। तो इसका जो जानकारी जो है वो व्यक्ति को जो वो सपने देखता है तो उसमें हो सकता है। ठीक है, अब हम कई बार ऐसा सोचते हैं कि हमने जो है ये सपना देखा, पता नहीं कैसा सपना है हमारे दिमाग में आया, ये चीज हमें तो हमने तो देखी ही नहीं थी जब हम जाग रहे थे, तो ये सपना जो है वो है किस तरीके का आया। ठीक है, तो कुछ ना कुछ जो है वो क्लू जो है वो माइंड पर इफेक्ट जो है वो डालता ही है। ठीक है,
तो मन की जो है स्वस्थ और अस्वस्थ क्रियाओं पर जो है वो प्रभाव डालता है। तो इसका जो जानकारी जो है वो व्यक्ति को जो उसके सपने आने वाले हैं उससे होती है। ठीक है, तो अचेतन मन को आप अपने सपनों से जोड़ सकते हैं, और चेतन मन जो है जो कि आपका एक्टिव है इस समय, तो वह चेतन मन है। तीसरा जो है अवचेतन मन, जब हम कोई काम को बिना डरे या झिझक के कर लेते हैं, जिसमें किसी प्रकार का जो कोई दबाव नहीं हो, झिझक नहीं हो, तो वो अवचेतन मन होता है। जैसे कि जब आप जो है गाड़ी चलाना सीख जाते हो, तो बिना डर के, बिना भय के कोई भी रास्ते में जो है वो गाड़ी चला लेते हो। ठीक है, तो उस समय जो है जो झिझक नहीं होती है, तो वो आपका जो है अवचेतन मन है, यानी कि कोई चीज याद करने पर आपको याद आ जाए। जैसे कि एग्जाम हॉल में आप लोग पेपर जो है सॉल्व करते हैं, तो उस समय जो है वो आपका अवचेतन मन जो है काम कर रहा होता है। कैसे? आप लोग याद करते हो और चीजें जो है वो आपको याद आ जाती हैं और फिर आप लिख लेते हो। ठीक है, तो आपको ये तीनों शब्द समझ में आए होंगे। तो इन्होंने जो है चेतन मन जो है इसको शामिल किया, अचेतन अवचेतन को शामिल नहीं किया। जबकि मनोविज्ञान जो है चेतन अचेतन अवचेतन तीनों का अध्ययन करता है, तो इस वजह से इसे भी अमान्य कर दिया गया। मैकडूगल जो है वो इसकी आलोचना करते हैं। फोर्थ देखिए, फोर्थ नंबर पर जो है व्यवहार का विज्ञान, तो देखिए आत्मा का विज्ञान कहा गया तो उसे भी नकार दिया गया। मन या मस्तिष्क का विज्ञान है मनोविज्ञान, उसको भी नकार दिया गया। चेतना का विज्ञान तो वह भी अधूरा है, इसलिए उसे भी नकार दिया गया। 20वीं शताब्दी में कहा गया कि मनोविज्ञान जो है वो व्यवहार का विज्ञान है। अब इसका समर्थन जो है वो कौन करते हैं, याद रखें, वॉटसन करते हैं, वुडवर्थ करते हैं, स्किनर करते हैं और मैकडूगल करते हैं। ठीक है, आलोचना चेतना के विज्ञान की मैकडूगल ने ही की। अब वॉटसन जो है, जो कि इसे व्यवहारवाद के जनक कहे जाते हैं, वॉटसन, ठीक है, इन्होंने प्रयोग किए व्यवहार पर। तो इन्होंने अपने जो है छोटे से जो बच्चा है 11 साल का, जो अल्बर्ट, उस पर जो है प्रयोग किया था। ठीक है, कि उसके व्यवहार में जो है वो कैसे परिवर्तन आ रहा है। एक बाद में हम देखेंगे कि जो अल्बर्ट था 11 साल का, तो उसके साथ जो है खरगोश का प्रयोग जो है वॉटसन ने किया था। तो मनोविज्ञान को व्यवहार का विज्ञान जो है कहने वाले कौन है? वॉटसन है। इन्हें जो है व्यवहारवाद का जनक कहा जाता है। ठीक है, वुडवर्थ कहते हैं, स्किनर कहते हैं और मैकडूगल कहते हैं। तो ये नाम जो है वो आपको बिल्कुल याद होने चाहिए। वॉटसन ने बाह्य निरीक्षण विधि द्वारा मनोविज्ञान में सभी जीवित प्राणियों का अध्ययन किया। तो ये क्या कहते हैं? ये कहते हैं कि केवल मनुष्य पर ही अध्ययन करना मनोविज्ञान नहीं है, बल्कि जितने भी जीवित प्राणी हैं उनके व्यवहार का अध्ययन करना ही मनोविज्ञान है। तो इन्होंने कौन सी विधि का प्रयोग किया? बाह्य निरीक्षण विधि का। ठीक है, मैकडूगल ने अपनी बुक जो है आउटलाइन साइकोलॉजी, जो कि पेज नंबर 16 में क्या लिखा है कि चेतना एक बुरा शब्द है। इसका मतलब क्या है कि जो विलियम बुंड ने चेतना का विज्ञान कहा था मनोविज्ञान को, इसको उन्होंने नकारा और खूब इसकी आलोचना की अपने बुक आउटलाइन साइकोलॉजी में। ठीक है, इनकी जो बुक का नाम क्या है? आउटलाइन साइकोलॉजी। तो बिल्कुल यहां तक आपको सारी बातें जो है समझ में आई होंगी। ठीक है, व्यवहार की व्याख्या जो है वो मैकडूगल ने की, जबकि व्यवहार का मनोविज्ञान में प्रयोग जो है वो वॉटसन ने किया। तो इसीलिए वॉटसन को क्या कहा जाता है? व्यवहारवाद का जनक, क्योंकि इन्होंने जो है प्रयोग किया, और व्याख्या जो है अपनी बुक में मैकडूगल ने की। तो व्यवहार की व्याख्या, छोटा सा ही अंतर है, याद रखें, व्यवहार की जो व्याख्या है वो मैकडूगल ने की, जबकि व्यवहार का मनोविज्ञान में प्रयोग किसने किया? वॉटसन ने किया। आधुनिक मनोविज्ञान के जनक जो है वो विलियम जेम्स को माना जाता है। ठीक है, ये जो है नोट में आप याद रखेंगे, क्योंकि कई बार क्या होता है कि हम देखते हैं वॉटसन जो है वही याद रहते हैं कि व्यवहारवाद के जनक हैं, क्योंकि इन्होंने प्रयोग किया था व्यवहार पर। तो आधुनिक मनोविज्ञान के जनक भी वही हैं। व्यवहारवाद के जो जनक हैं वह कौन है? वॉटसन है। जबकि आधुनिक मनोविज्ञान के जनक कौन है? विलियम जेम्स हैं। तो चलिए अब हम देखेंगे इनकी परिभाषाएं, जो कि खूब पूछी जाती हैं एग्जाम में। वॉटसन कहते हैं कि मनोविज्ञान जो है व्यवहार का शुद्ध विज्ञान है, क्योंकि हम यहाँ पर जो स्टडी करते हैं वो बिहेवियर की करते हैं, व्यक्ति के व्यवहार की करते हैं।
वॉटसन कहते हैं कि तुम मुझे कोई भी बालक दे दो, मैं उसे वैसा ही बना सकता हूँ जैसा मैं बनाना चाहता हूँ। तो इनका ये कहना है कि कोई भी छोटा बच्चा को आप यदि लें और आप उसको जैसा भी बनाना चाहते हैं बना सकते हैं, यानी उसके व्यवहार में जो परिवर्तन करना है आपको वो आप कर सकते हैं, जैसा आप उसको दिखाएंगे वैसा ही वो करेगा। ठीक है, वॉटसन ने व्यवहार का अध्ययन जो है वो अपने 11 वर्षीय पुत्र जो है वो अल्बर्ट पर किया। तो ये प्रयोग जो है जो कि हम सिद्धांत में बाद में पढ़ेंगे। वुडवर्थ, वुडवर्थ कहते हैं कि मनोविज्ञान ने सर्वप्रथम जो है आत्मा का त्याग किया, फिर मन का त्याग किया, फिर चेतना का त्याग किया, और आज मनोविज्ञान जो है वो व्यवहार की विधि को स्वीकार करता है। तो इसी वजह से जो है इनको आधुनिक मनोविज्ञान के जनक कहा जाता है। किसे? वुडवर्थ को, क्योंकि इन्होंने जो है जो कि अंतिम जो निचोड़ होता है अपनी परिभाषा में वो दिया। उन्होंने कहा कि जो प्लेटो अरस्तु हैं जिन्होंने कहा था कि ये आत्मा का विज्ञान है, ठीक है, तो मनोविज्ञान ने जो है सबसे पहले ये कहा, फिर मन का कहा। तो मन का कहने वाले जो है कौन थे? तो पोम्पोनोजी, जॉन लॉक जो है ये कहते थे कि ये जो है मन या मस्तिष्क का विज्ञान है, तो इसको भी नकारा गया। फिर चेतना का विज्ञान कहा गया, तो चेतना का विज्ञान में जिसमें जो है प्रयोग जो है वो विलियम बुंट ने आत्मनिरीक्षण विधि का जो है वो प्रयोग किया, ठीक है, एक प्रयोगशाला खोली, इसको भी नकार दिया कि चेतना का विज्ञान नहीं है क्योंकि ये मन के तीनों भागों का अध्ययन नहीं कर रहा है, ठीक है। और आज मनोविज्ञान जो है वो कैसा है? व्यवहार की विधि को स्वीकार करता है, तो यह व्यवहार का विज्ञान है। तो इसीलिए वुडवर्थ को क्या कहा गया है? वुडवर्थ को आधुनिक मनोविज्ञान का जनक कहा गया है। तो अब आपको जो है हमेशा याद रहेगा कि आधुनिक मनोविज्ञान के जनक कौन है, ठीक है, कई बार जो है कंफ्यूजन हो जाता है। पिल्सबरी ने 1911 में बुक एंसियल्स ऑफ साइकोलॉजी में परिभाषा दी मनोविज्ञान की कि मनोविज्ञान की सबसे संतोषजनक परिभाषा मानव व्यवहार के विज्ञान के रूप में की जा सकती है। यानी मानव का जो व्यवहार है उसका अध्ययन करना तो वो क्या है? मनोविज्ञान है, ठीक है। तो मनोविज्ञान की सबसे संतोषजनक परिभाषा मानव व्यवहार के विज्ञान के रूप में जो है हम कर सकते हैं। स्किनर कहते हैं कि मनोविज्ञान जीवन की सभी प्रकार की परिस्थितियों में, चाहे कोई भी परिस्थिति आती है, उसमें प्राणी की क्रियाओं का अध्ययन करता है। बचपन से लेकर, यानी जब वो पैदा हुआ है, जब से लेकर मृत्यु पर्यंत तक जो भी उसके साथ जो भी घटनाएं हुई हैं, जो भी उसने क्रियाएं की हैं, उन सब का अध्ययन क्या है? मनोविज्ञान है। प्रक्रियाओं, व्यवहार का तात्पर्य, प्राणी की सभी प्रकार की गतिविधियां हैं, समायोजनाएं हैं, क्रियाएं हैं एवं अभिव्यक्तियां हैं। यानी जो भी हम कर रहे हैं, जो भी आप कर रहे हो बचपन से लेकर अब तक, जितने भी व्यवहार आपने किए हैं, वो सभी क्रियाएं, गतिविधियां, ये क्या है? मनोविज्ञान है, ऐसा कह रहे हैं स्किनर। फिर देखिए एक और परिभाषा है वॉटसन की कि मनोविज्ञान व्यवहार का एक निश्चित विज्ञान है, या मनोविज्ञान जो है एक धनात्मक विज्ञान है। एग्जाम में कई बार जो है वॉटसन की परिभाषा, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछी जाती है कि मनोविज्ञान व्यवहार का निश्चित विज्ञान है, ऐसा कहने वाले कौन है? मनोविज्ञान जो है धनात्मक विज्ञान है, ऐसा कहने वाले कौन है? या व्यवहार का विज्ञान है, ये कहने वाले कौन है? वॉटसन ही है। क्रो एंड क्रो कहते हैं कि मनोविज्ञान मानव व्यवहार और मानव संबंधों का अध्ययन करता है। ये मानव का जो व्यवहार है उसका अध्ययन करता है, और मानव का मानव के साथ क्या संबंध है, कैसा वो उनके साथ बिहेव कर रहा है, उस सब का अध्ययन क्या है? मनोविज्ञान है। तो इन सभी परिभाषाओं में यही है कि मनोविज्ञान कैसा विज्ञान है? व्यवहार का विज्ञान है। मैकडूगल ने कहा कि मनोविज्ञान आचरण एवं व्यवहार का यथार्थ विज्ञान है। अब ये परिभाषाएं जो हैं, जो कि आप समझते हुए चल रहे हैं और बार बार इनको पढ़ेंगे तो ये आपको याद हो जाएंगी, ठीक है। आप लोगों के एग्जाम में जो परिभाषाएं जो हैं ये आपकी पूछी जाती हैं, और परिभाषाएं जो हैं जो आपकी फर्स्ट यूनिट है इसमें आपको ज्यादा मिलेगी। तो चलिए, हमने शिक्षा को समझ लिया, हमने मनोविज्ञान को समझ लिया। अब महत्वपूर्ण तथ्य जो कई बार जो है बच्चे कंफ्यूज रहते हैं कि इसके जनक कौन है,
तो मनोविज्ञान के जनक जो है वो अरस्तु हैं, हमने पढ़ लिया। शिक्षा के जो है वो फ्रॉबेल थे, ठीक है। आधुनिक मनोविज्ञान के जनक विलियम जेम्स हैं, और क्यों हैं वो हमने इनकी परिभाषा में देखा कि विलियम जेम्स जो है वो क्या कह रहे हैं, वो कह रहे हैं कि पहले जो है मनोविज्ञान ने पहले किसका त्याग किया, पहले उसने आत्मा का त्याग किया, उसके बाद जो है मन का त्याग किया, फिर चेतना का त्याग किया, और आज मनोविज्ञान जो है व्यवहार की विधि को स्वीकारता है। तो ये आधुनिक मनोविज्ञान के जनक कहलाएंगे। मनोविज्ञान के वास्तविक संस्थापक जो है वो विलियम जेम्स को ही कहा जाता है। विकासात्मक मनोविज्ञान के जनक जो कि जीन पियाजे हैं। संज्ञानात्मक मनोविज्ञान के जनक कौन है, जीन पियाजे हैं, ठीक है। किशोर मनोविज्ञान के जनक तो स्टेनली हॉल, जो कि कहते हैं कि जो किशोर है उसका जो समय है वो बहुत ही चेंजमेंट का समय होता है, ठीक है। तो किशोर मनोविज्ञान के जनक स्टेनली हॉल कहे जाते हैं। प्रयोगात्मक मनोविज्ञान के जनक विलियम बुंट हैं, क्योंकि सबसे पहली मनोविज्ञान के विषय में प्रयोगशाला खोलने वाले कौन हैं, विलियम बुंट हैं, जिन्होंने जर्मनी में जो है प्रयोगशाला स्थापित की थी, ठीक है। और उसी वजह से जो है ये एक अलग जो है अध्ययन के रूप में सामने आया और दर्शन शास्त्र से अलग हुआ। गत्यात्मक मनोविज्ञान के जनक जो है वो वुडवर्थ हैं। शिक्षा मनोविज्ञान के जनक कौन है, थॉर्नडाइक हैं। तो हम आगे पढ़ेंगे, अभी जब शिक्षा मनोविज्ञान को पढ़ेंगे। बाल विकास के सर्वप्रथम वैज्ञानिक अध्ययन पेस्टोलॉजी ने किया था। बाल अध्ययन का पिता जो है वो स्टैनले हॉल को माना जाता है। बाल अपराध मनोविज्ञान का जनक सीजर लाम्ब्रोसो को माना जाता है। प्रथम मानवतावादी मनोविज्ञान अब्राहम मैस्लो हैं, जिन्होंने मानवतावादी सिद्धांत दिया। व्यवहारवादी मनोवैज्ञानिक जो है वो कौन है, वॉटसन है। फिर नोट देखिए, जहां पर मनोविज्ञान जो है एक विधायक विज्ञान है, किसने कहा, मैकडूगल ने कहा। शुद्ध विज्ञान है, धनात्मक विज्ञान है, किसने कहा, वॉटसन ने कहा। विशुद्ध विज्ञान है, किसने कहा, विटवर्थ ने कहा। तो मैंने एक साथ ही ये लिख दिए हैं ताकि एग्जाम में एक शब्द की वजह से ही आपका क्वेश्चन का आंसर जो है वो रॉन्ग ना हो, ठीक है। तो परिभाषाएं भी पहले हमने देख ली, और अब यहां पर भी आप देख लें कि विधायक विज्ञान किसने कहा, मैकडूगल ने। धनात्मक विज्ञान या शुद्ध विज्ञान किसने कहा, वॉटसन ने। और विशुद्ध विज्ञान कहा, वुडवर्थ ने। तो आई होप आपको यहां तक जो है सारी बातें समझ में आई होंगी, शिक्षा के संबंध में और मनोविज्ञान के संबंध में। तो वीडियो काफी बड़ा हो जाएगा, तो जो भी मैंने पढ़ाया है इसको आप एक दो बार जो है सुनेंगे तो आपको ये चीजें जो है वो बिल्कुल अच्छे से याद हो जाएंगी। थैंक यू।